हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ असाइनमेंट 5.7 प्राची बुक क्लास 8 और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर का नाम है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिखा है। इफ़ 10 लेस देन अ नंबर इज -10 देन द नंबर इज, तो इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे बच्चों। चार ऑप्शन दिए हैं हमें, तो सबसे पहले इसमें कोई नंबर हमें बताया नहीं गया है कि कौन सा नंबर है। एक नंबर के बारे में बोला गया है जिसमें से 10 कम करने पे हमें मिलता है -10। ओके, तो मैं क्या करूँगी, उस नंबर को मैं लेट करूँगी, एज्यूम करूँगी, लेट द नंबर इज़ एक्स, ठीक है। तो उस नंबर को हम मान लेते हैं कि वो एक्स है। आप एक्स, वाई, जेड कोई भी मान सकते हो, ठीक। अब ये क्या कह रहा है कि उसमें से 10 कम कर देते हैं अगर, तो हमें क्या मिलता है, -10 मिलता है। तो मैं लिख दूंगी एक्स -10 इक्वल टू -10, ठीक है। इससे पहले आप एक लाइन और लिख सकते हो बच्चों कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि जैसा इन्होंने क्वेश्चन में हमें बोला है हम उस तरह से ही अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो उसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस लाइन के बाद फिर आप लिख सकते हो x -10 इक्वल टू -10। अब बच्चों ये एक इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता है। अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मुझे x को एक साइड पे रखना पड़ेगा और विदाउट x वाले नंबर को एक साइड पे रखना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि इक्वल टू के पहले जो नंबर होता है हम उसे पहले लिखते हैं, ठीक है। जो बाद में नंबर आता है उसको हम बाद में लिखते हैं। तो मैं लिखूँगी -10 +10, और माइनस प्लस माइनस होता है तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 0। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर हमें इसको वेरीफाई करके देखना है तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू तो मेरे पास 0 है ही, ठीक है ना। अगर मैं 10 में से -10 कर देती हूँ तो मेरे पास 0 वैसे ही आ जाएगा, ठीक, क्योंकि x की कोई वैल्यू हमारे पास आई नहीं है 0 के अलावा, ठीक है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए आप इस तरह से दिखा सकते हो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का सेकंड पार्ट है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 30। दो नंबर्स का सम, अगर हम दो नंबर को ऐड करते हैं तो हमें 30 मिलता है। इफ़ वन नंबर इज़ 4 टाइम्स द अदर, अगर एक नंबर दूसरे नंबर के 4 टाइम्स है, देन द स्मॉलर नंबर इज़, तो हमें क्या बताना है कि छोटा नंबर कौन सा है, ठीक है, स्मॉलर नंबर। तो इसमें यही करेंगे, लेट द नंबर इज, या बी, लेट द नंबर बी इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे हम, क्वेश्चन में हमें जो बोला गया है उस हिसाब से अपना आंसर बनाएंगे। तो हमें क्या करना है बच्चों, एक नंबर तो मेरे पास x है, ठीक है, और जो सेकंड नंबर है मेरा वो है 4 टाइम्स ज़्यादा, ठीक है। तो 4 टाइम्स मतलब 4x, और हमें मिलता क्या है इनको ऐड करने पर, 30, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, 4x प्लस 4x इक्वल टू 30, या मेरी इक्वेशन बन गई है। लेफ्ट साइड पे मेरे पास दोनों x के नंबर हैं, ठीक है, तो मैं इन्हें ऐड कर दूंगी, x प्लस 4x इक्वल टू 5x इक्वल, तो हो जाएगा 5x, 5x इक्वल टू 30। और x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है तो क्या करना पड़ेगा, 5 के साथ x मल्टीप्लाई में है और दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो मेरी x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 30 अपॉन 5, 5 1 5, 5 6 30, और x इक्वल टू 6 आ जाएगा मेरे पास। अगर मैं इसको वेरीफाई करके देखूँ तो x की वैल्यू मेरे पास 6 सही है, ठीक है। तो हम इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं, हो जाएगा एक्स 6 है तो हो जाएगा 4 × 6 इक्वल टू 6 × 4 = 24, ठीक है। और इन दोनों को मैं ऐड करूं अगर इक्वेशन के हिसाब से तो आ जाएगा मेरे पास 30, 6 + 24 इक्वल टू 30 होता है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है, ठीक है ना। इस तरह से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, तो ऑप्शन मेरा कौन सा आ जाएगा बच्चों, बी वाला ऑप्शन मेरा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है।
इसी का थर्ड पार्ट है, ए रेक्टेंगल इज थ्री टाइम्स एज लॉन्ग एज इट इज वाइड इफ इज पैरामीटर इज 56 मीटर देन इट्स लेंथ इज, एक रेक्टेंगल है बच्चों, ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, इसकी विड्थ दी हुई है, यानी कि कितना वाइड है ये, थ्री टाइम्स वाइड है लेंथ से, ना हमें लेंथ दी ना हमें इसने विड्थ दी इसकी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल होता है टू इंटू एल प्लस बी लिख सकते हो या एल प्लस डब्ल्यू भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं दोनों तरह से आपको लिख के बता देती हूँ। फर्स्ट में लिखा मैंने टू इंटू एल प्लस डब्ल्यू और टू इंटू एल प्लस बी। लेट द विड्थ इज, लेट द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज एक्स, जब हमें कोई वैल्यू नहीं दी होती तो हम एक्स ही मानते हैं, ठीक है। तो विड्थ मैंने मान ली है एक्स, तो लेंथ मेरी क्या हो जाएगी, थ्री टाइम्स ज़्यादा है तो थ्री एक्स कर लूँगी मैं, ठीक है ना, थ्री टाइम्स मोर दी हुई ना, तो इसको हम लिख लेते हैं थ्री एक्स। अगर आपको मीटर दिया है तो मीटर लगाएंगे साथ में, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किस तरह से करेंगे हम बच्चों, इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन में बताया है कि उसका पैरीमीटर 56 है, ठीक है ना, तो फार्मूला लगाएंगे बच्चों टू इंटू एल प्लस डब्ल्यू, ठीक है, इक्वल टू हमारे पास क्या है 56 है, पैरीमीटर तो हमें दिया हुआ है पहले से ही, तो मैं लिख दूंगी टू इंटू एक्स प्लस थ्री एक्स इक्वल टू 56। तो इसको क्या करेंगे बच्चों, 3 प्लस एक्स हो जाएगा 4x, तो हो जाएगा 2 इंटू 4x इक्वल टू 56, और यहाँ हो जाएगा 8x इक्वल टू 56। तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 56 अपॉन 8 कट जाएगा, 8 वन ज़ा 8, 8 सेवन ज़ा 56 होता है, तो मेरे पास आ गई x की वैल्यू, इसका मतलब है मेरे पास आ गई इसकी विड्थ, ठीक है, विड्थ आ गई। अब हमें लेंथ निकालनी है, क्योंकि इन्होंने पूछा क्या है कि लेंथ बताओ हमें, तो क्या कर देंगे, थ्री टाइम्स ज़्यादा थी ना, तो थ्री इंटू सेवन कर देंगे, हो जाएगी हमारे पास 21, ठीक है, तो मेरी विड्थ क्या होगी 7 और लेंथ क्या हो जाएगी 21, ठीक है। तो ऑप्शन मेरा कौन सा हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको वेरीफाई अगर हमें करना है, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, टू इंटू एक्स मेरा है 7 प्लस 21, तो हो जाएगा टू इंटू 7 प्लस 21 इक्वल टू 56, टू इंटू 28 हो जाएगा 56 और 56 इक्वल टू 56, यानी कि मेरी राइट हैंड साइड हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल, ये हमारा आंसर जो है वेरीफाई हो गया है। तो मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा देती हूँ किस तरह से किया है मैंने, ठीक है, इस तरह से ये मेरा आंसर आ गया, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे बच्चों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, थैंक यू वेरी मच।